हाय फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया है। एक पॉलिसी है, यूएसपी को डिनेट करना है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर ग्रुप पॉलिसी के अंदर जाके इसको इजीली कर सकते हैं। तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ढूंढिए, जीवर इसके लिए तो भी मिल जाएगा इजीली। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, उसको ओपन कर दीजिए। यहाँ पर मैंने एचआर यूनिट डाला हुआ है, उस पर राइट क्लिक करके आप एक जीपीयू बना दीजिए, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे भी यूएसबी एक्सेंस, यानी कि यूएसबी को प्रिवेंट करना है, तो यूएसबी यहाँ पर राइट क्लिक करके उसको एडिट कर दीजिए। और यहाँ पर ये कहाँ होगा तो आपको देखना पड़ेगा, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, पॉलिसीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दोनों बाज दोनों यूज़र कॉन्फ़िगर और कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर दोनों भी साइड ही है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एडमिनिस्ट्री टेम्पलेट्स यहाँ पर सिस्टम के अंदर अगले रिमूव ऑल स्टोरेज एक्सेस, और यहाँ पर रिमूवेबल ऑल रिमूव स्टोरेज इनेड ऑल एक्सेस पर आपको उसको इनेबल कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इनेबल कर दिया, अप्लाई एंड ओके। सेम एज आपको एंटीवायरस से भी कर सकते हो, यूएसबी डिसेबल करना हो। सेम एज आपका यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाइए, एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स, उसके बाद सिस्टम्स, उसके बाद रिमूवेबल और रिमूवेबल डिवाइसेस आपको इनेबल कर देना है। और इसके बाद आपको एक कमांड रन करना है, जीपी अपडेट स्लैश फोर्स करके, और इसके कारण आप उसको जो भी आपके अपडेट किया है वो ऑटोमेटिकली आपके सभी डोमेन में चला जाएगा। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।